अस्सलाम वालेकुम। आज डे टू है जी, शेड पे आ गए हैं और चूज़ा माशाल्लाह बिल्कुल एक्टिव है, हेल्दी है, फीड खा रहा है। ये देखें चूज़ा, ये बर्तन है इनके फीड के लिए, ताकि फीड गायब भी ना हो, साइड पे खड़े होके ये फीड खाते हैं चूज़े। और इसमें से ये पानी पीते हैं। ये देखिए ये पानी पी रहे हैं। ये रेस्ट कर रहे हैं, ये कुछ फीड खा रहे हैं। भट्टी साहब आ गए हैं। ये भट्टी साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाए भट्टी साहब, दूसरा दिन, हाँ जी, मोर्टेलिटी कितनी होगी? मोर्टेलिटी सर इसकी डे फर्स्ट पे हुई थी जब चूज़ा रिसीव किया था, 12 घंटे की इसकी मोर्टेलिटी थी 40। अच्छा ठीक है। अच्छा आज दूसरा दिन है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो चीज़ है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। सर इसका टेम्परेचर इस टाइम रखा हुआ है 32। और ह्यूमिडिटी? और ह्यूमिडिटी इसकी है इस टाइम 70-75। अच्छा आज मैं देख रहा हूँ कि आपके पैड भी गीले हैं जी, आपने आज पैड चलवाए? आज हमने पैड पर हल्का सा छट्टा पानी का दिया ताकि थोड़ा सा ना अंदर का माहौल नरम हो, और मतलब थोड़ी सी कूलिंग पॉइंट के हवाले से थोड़ा सा अंदर का माहौल ठीक करने के लिए। ठीक है। अच्छा ये बर्तन इस टाइम पर हम इसे एयर वेंटिलेशन वेंट से दे नहीं सकते, दिन में गर्मी होती है, तो फिर हम अंदर का माहौल ठंडा करने के लिए हम पैड्स पे पानी लगाते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा दूसरा दिन है आज, मेडिसिन कौन सी चल रही है जी? इसको सर एंड्रोकोलेस्टीन चल रही है, ये 3 दिन चलेगी। जैसा कि हमने पहले पिछली वीडियो में बताया था कि स्टार्टिंग आते हुए चूज़े को ORS का पानी देते हैं, उसके बाद फिर 4-5 घंटे तक इसको हम देंगे फीड, फीड के 8-10 घंटे गुजरने के बाद फिर हम इसको एंटीबायोटिक स्टार्ट करेंगे एंड्रोकोलेस्टीन की। अच्छा अच्छा अच्छा। पानी के अंदर कोई गोलियां भी डाल रहे थे जी? वो पानी के अंदर पानी की पीएच को बेहतर करने के लिए हम वो टैबलेट का यूज़ करते हैं, वो इसलिए टैबलेट यूज़ करते हैं, बाज़ दफ़ा सम टाइम पता नहीं चलता कि पानी की पीएच कितनी है। ये नहीं कि वो हम जस्ट ऐसे कुलिए के तहत चला रहे हैं, वो पानी की पीएच को डाउन भी करती है। पानी की बेसिकली पीएच जो है हमारे इधर पोल्ट्री में 5 से 6, 6.5-7 तक रिकमेंडेड है। तो यहाँ वैसे नॉर्मल वाटर की क्या पीएच आ रही है? ये हमारे पास नॉर्मल वाटर की जो पीएच है 8.1-8.2 नॉर्मल, जो ज़मीन का बोर वाला पानी है। तो वो चूज़े के लिए कोई डेंजरस है जी? वो चूज़े के लिए, असल में वो चूज़े के लिए पीने के डेंजरस तो नहीं है, जो हम मेडिसिन उसको रिकमेंड कर रहे हैं, जो मेडिसिन डाल रहे हैं वो उस पर असरअंदाज नहीं हो। अच्छा अच्छा, मेडिसिन उतनी मुआफिक नहीं आती है? हाँ जी। ठीक हो गया। अच्छा ये दूसरे मैं देख रहा हूँ आपने बर्तन ये छोटे रखे हुए हैं अलहदा जी, ठीक है, कई बाज़ अवकात मैंने देखा है वो ट्रे होती हैं वो चल रही होती हैं, तो इस बर्तन का क्या फ़ायदा है? इस बर्तन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इस बर्तन में फीड नीचे नहीं गिरती। ठीक है ठीक है। ये फीड जो चूज़े ने खानी होती है वो साइड से बैठ के आराम से फीड खा लेता है, उधर से अंदर से फीड डाउन होती जाती है ट्रे में, वो जो दूसरी बड़ी गोल प्लेट से उसमें चूज़े फीड बहुत ज़्यादा है। अच्छा वकास साहब थोड़ा सा ये लाइटिंग के बारे में मुझे बताएं, काफ़ी बल्ब लगे हुए हैं, कहीं पे अंधेरा है कहीं पे बल्ब लगे हुए हैं, जैसे कि ये देखें ना इधर भी कुछ बल्ब जल रहे हैं, किसी जगह पे अंधेरा है।
इस जगह पे सारे बल्ब जल रहे हैं और काफ़ी बल्ब लगे हुए हैं, इसके लाइटिंग के बारे में थोड़ा सा बताएं। सर इधर लाइटिंग जितनी ज़्यादा होगी ना, चूज़ा उतनी ही तवज्जा से फीड खा सकेगा, पानी पी सकेगा। जहाँ लाइट कम होगी वहीं चूज़ा बैठ जाएगा अपनी जगह के ऊपर। अच्छा। वहीं बैठा होगा उस, वो ना फीड की तरफ जाएगा ना पानी की तरफ जाएगा और डरेगा। जैसे समटाइम ये होता है, बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं जी पहले हफ्ते का वज़न अच्छा नहीं आया। हमेशा पहले हफ्ते का वज़न अच्छा करने के लिए हमें यह अच्छी लाइट्स चाहिए, अच्छी फीड, अच्छी फीड की डेफिशिएंसी, चूज़े को, चूज़े की मूवमेंट, चूज़े की पार्टीशन, चूज़े की देखभाल अच्छा वज़न लेके आएगी। जो कहते हैं कि जी चूज़े बैठा रहे, लाइटिंग की कमी, ये चीज़ें वज़न को बहुत मायने रखती हैं। अच्छा, यहाँ पे वैसे देखने में ना चूज़ा बड़ा तंग तंग नज़र आ रहा है, यानी किसी जगह पे तंग होके बैठा है, किसी जगह पे खुला होके बैठा वो है। वो जो चूज़ा फीड खा लेता है वो पानी पी के थोड़ी देर उस जगह पर बैठ जाता है। अच्छा, ये भाग रहे हैं, इसकी क्या वजह है ये बताएं ना। अच्छा, ये अब नॉकिंग चूज़े को ना बुला रहा है, चूज़े को मूवमेंट करवाने के लिए चारों नुकरों पर एक एक लड़का खड़ा हो जाता है, एक नुक्कर से दूसरी नुक्कर पर वो उसको नॉक देता है, वो चूज़ा भाग के उधर जाता है, फिर राइट में, लेफ्ट में, फिर राइट में, फिर लेफ्ट में, ऐसे मूवमेंट हो रही है चूज़े। अच्छा, और इसको फीड कौन सी आप दे रहे हैं? इसको मुख्तलिफ फीड दी जाती है जी, हमारे बाकी शेड्स पे भी, इस शेड पर हम सनक्रॉप फीड यूज़ करते हैं। अच्छा, यानी हर मुख्तलिफ शेड पे तो मुख्तलिफ यूज़ करते हैं, हर शेड पर मुख्तलिफ फीड है, ताकि हमें हर फीड का, हर चूज़, हर फॉर्म पर फीड चूज़ा डिफरेंट है। अगर यहाँ हमारे पास बिलफर, शबीर और संतरा फीड है, दूसरे फॉर्म्स पर हमारे पास इस्लामाबाद का चिक्स होगा, एक फॉर्म पे साबर का होगा, फीड मुख्तलिफ होंगी, ताकि हर फीड का, हर चूज़े का रिजल्ट हमारे सामने रहे। ठीक है, यानी एक ही पे ना रहें, उसमें ज़्यादा नुकसान, लॉस का चक्कर फिर उसमें जो हमें मतलब प्लस माइनस हम देखते रहते हैं एज रिकॉर्ड के मुताबिक, इसके वेट के मुताबिक, तो फिर हम चेंज करते रहते हैं। अच्छा, आपका टारगेट क्या है इसमें? 7 दिन का वज़न कितना लेना है? इसका 7 दिन का वज़न हमने कम से कम 200 प्लस लेना है। अच्छा जी, 200 एक अच्छा वज़न है? बहुत अच्छा वज़न। ठीक है, इस टाइम क्या वज़न होगा इसका? इस टाइम इसका वज़न है तकरीबन 60 से 65 ग्राम। यानी 2 दिन में 60-65 ग्राम पे आ गया। ठीक है। और पंखे कितने चल रहे हैं आज? पंखे इस टाइम 3 चल रहे थे अभी 1 घंटा पहले, अब इस टाइम 2 पंखे चल रहे हैं, और एक मज़ीद जैसे ही और थोड़ा सा टाइम गुजरेगा, इस टाइम आई थिंक टाइम है रात के 8 बज रहे हैं, तो जैसे ही 1 घंटा और गुजरेगा एक पंखा हो जाएगा। अब एक पंखा चल रहा है रेगुलर और एक ऑटो पर, और देख लें अभी भी आपको पसीना आ रहा है। ये तो थोड़ा सा इसीलिए 32-33 का टेम्परेचर आपने रखा हुआ है। ये थे वकास साहब, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे हमें आज चूज़े के बारे में। ये मैनेजर साहब हैं हमारे, सुपरवाइज़र साहब ज़रा शर्मीले हैं, वो कैमरे के सामने नहीं आते, ना ही बोलते हैं पीछे से, तो मैनेजर साहब की रिक्वेस्ट की है कि वो हमें थोड़ा सा गाइड कर दें इसके बारे में। 2 दिन हो गए हैं माशाल्लाह, और तकरीबन 100 मोर्टेलिटी हो गई है हमारी 2 दिन में, लेकिन ये कम होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं तो मोर्टेलिटी कम होती जा रही है। इंशाल्लाह ये 24 घंटे की 4-5-6 मोर्टेलिटी हो जाएगी अल्लाह के करम से। इस टाइम चूज़ा सारा रेस्ट कर रहा है, फीड चल रही है, पानी पी रहा है। ये एक छोटा सा व्लॉग टाइप हो गया आज का हमारा। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात करेंगे, Day 3 कंप्लीट होगा तो इसका वजन और इसमें क्या मेडिकेशन चल रही है, क्या टेम्परेचर दिया होगा, सारा इंशाल्लाह आपको बताएंगे। आज तक के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी जी, अल्लाह हाफिज़।